कहते हैं कि अगर ग्रहों से संबंधित पौधे लगाकर उनका ध्यान रखा जाए और नित उपासना की जाए तो विशेष लाभ हो सकता है। हम आपको दो ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध शनि ग्रह से होता है और जिनकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। हर वृक्ष हर पौधे का अपना एक विशेष गुण होता है। उसकी आकृति, रंग, सुगंध, फल और फूल अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। कहते हैं कि अगर ग्रहों से संबंधित पौधे लगाकर उनका ध्यान रखा जाए और उनकी नित उपासना की जाए तो उनका विशेष लाभ मिलता है। आज हम आपको दो ऐसे ही पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध शनि ग्रह से होता है और जिनकी पूजा से विशेष लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इन पौधों की पूजा करने से घर में सुख संपन्नता की कमी नहीं रहती है। शनि से संबंध रखने वाले पहले पौधे का नाम है शमी। शनि की कृपा प्राप्त करने और उसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए शमी के पौधे का विशेष प्रयोग होता है। शनि संबंधित पीड़ा के निवारण के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा भी अचूक होती है। अब जानते हैं शमी से शनि का संबंध। शमी का पौधा किसी भी स्थिति में जीवित रह सकता है। अत्यंत शुष्क स्थितियां भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसके अंदर छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। इसके कठोर गुणों और शांत स्वभाव के कारण इसका संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि शनिवार शाम को शमी पौधे के नीचे दीपक चलाने से शनि संबंधित पीड़ा से निजात मिलती है। यदि कुंडली में शनि मारक हो तो शमी की लकड़ियों पर तिल के दानों से हवन करना चाहिए। साढ़े साथी और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए भी इसके उपाय किए जाते हैं। अब जानते हैं पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध। पीपल के वृक्ष के गुण शनि से काफी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा पीपल को शनि के इष्ट कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिपलाद मुनि ने ही शनि को दंड दिया था। तब से ये माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। सामान्यतः शनि पीड़ा की शांति के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा अगर शनि के कारण संतान या समृद्धि में बाधा आ रही है तो ढेर सारे पीपल के पौधे लगवाने चाहिए। ऐसा करने से शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।